तो हम पढ़ने जा रहे हैं पोरी फेरा। पोरी फेरा नाम जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें पोरी का मतलब है पोर और फेरा मीन्स गियरस, तो ये हो जाते हैं पोर गियरस। इसीलिए इनमें पोर्स है इसीलिए इनको हम स्पॉन्ज बोलते हैं। हमारे घरों में जो बर्तन धोने के लिए या कहीं साफ सफाई करने के लिए जो स्क्रबर आता है जनरली वो स्पॉन्ज का बना होता है, और स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें पोर्स होते हैं, काफी सारे पोर्स होते हैं। तो जब पोरीफेरा को देखा गया, स्पॉन्जेस को देखा गया, तो उनमें बहुत सारे पोर्स थे। तो जब पोर्स थे, बहुत सारे पोर्स थे, तो उनका नाम रख दिया गया स्पॉन्ज। तो जनरली हम इनको स्पॉन्ज बोल देते हैं। अभी जब हमने सबसे पहली स्लाइड देखी थी बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो हमने बात की थी एनिमल के एंसेस्टर्स के बारे में, जो कि हमने बोला था कि कॉइनोफ्लैगेलेट्स जो हैं, कॉइनोफ्लैगेलेट्स जो हैं वो लिंक होते हैं प्रोटोजोआ और एनिमल्स के, प्रोटिस्ट और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं, और इन्हीं से जो है एनिमल का इवोल्यूशन माना गया है। तो ऐसा सोचा गया, मैंने बोला ना कि ऐसा सोचा गया कि कई सारे कॉइनोफ्लैगेलेट्स एग्रीगेट हुए होंगे, फिर वो एग्रीगेट होकर अपने टास्क अलग अलग सेल्स को अलग अलग टास्क दिया होगा, फिर वो जो अलग अलग सेल्स अलग अलग टास्क लेके बैठे थे उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन का इवॉल्व हुआ, फिर उसके बाद प्रॉपर स्पंजेस का डेवलपमेंट हुआ, जिन स्पंजेस को आज हम एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। अब क्या, तो ये देख लो ऐसे होते हैं कुछ कॉइनोफ्लैगेलेट्स। ये एक सिंगल यूनिट जो दिख रही है वो आपकी कॉइनोफ्लैगेलेट्स है। अब इनमें एक प्रोटेरो स्पॉन्जिया आता है, प्रोटेरो स्पॉन्जिया ये सिंगल सेल होता है ना, कॉइनोफ्लैगेलेट होता है सिंगल सेल होता है, और इसको आदत होती है झुंड में रहने की, मतलब ग्रुप में रहने की, तो ये कॉलोनीज बनाते हैं। तो इस तरह से जब ये कई सारे कॉलोनीज बना लेते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि यार ऐसी ही लाइनिंग तो पोरीफेरा में भी है, पोरीफेरा के इंटरनल वॉल में भी तो है। तो इसीलिए इवोल्यूशन इनका समझा गया है प्रोटेरो स्पॉन्जिया से, जो कि क्या है, एक तरह से कॉइनोफ्लैगेलेट्स है। तो अब हम स्पॉन्जेस की बात कर लेते हैं। तो स्पॉन्ज सेल्स में ऑर्गन नहीं बना है, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, अभी तक के सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, और इनके लगभग 5,500 स्पीसीज जो हैं मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। इसके अलावा लगभग 50 स्पीसीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में ही मिलती है। मैंने क्या बोला था, इवोल्यूशन एनिमल के बनने की शुरुआत कहाँ हुई थी, सी में, ओशियन में, या बोले तो वाटर में एक्वेटिक लाइफ का शुरू में। तो मैक्सिमम जो स्पॉन्जेस आपको देखने मिलेंगे वो है मैराइन एनिमल, जो कि 5,500 स्पीसीज है अराउंड। आपको नंबर नहीं याद करना है, बस आपको ये एक डेटा दिया गया है ये देखने के लिए कि इतने सारे स्पीसीज जो है एक्वाटिक मराइन है और कितने 50 जो है वो फ्रेश वाटर है। उसके बाद ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब कि ये जमीन से जुड़े होते हैं, मतलब जो भी इनका बेस होता है, जो भी सब्सट्रेट होता है उससे ये अटैच होते हैं, समझ में आ रहा है। मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, जैसे हमारी क्या है वाटर में फिश मूवमेंट करके इधर उधर चली जाती है, जेली फिशेस जो होती हैं वो मूवमेंट कर लेती हैं, तब मूवमेंट करते हैं, स्पॉन्जेस में मूवमेंट नहीं है। स्पॉन्जेस के बाद जो है मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, ये सेसाइल होते हैं। इसके बाद बॉडी प्लान की बात करें तो ये 1 मीटर तक चले जा सकते हैं, मोर देन 1 मीटर इन लेंथ अगर एग्रीगेट हुए तो, ठीक, एग्रीगेट होके 1 मीटर लंबे तक चले जाते हैं। बहुत सारे पोरीफेरा, बहुत सारे स्पॉन्जेस एग्रीगेट होके 1 मीटर तक चले जाते हैं। अब क्या है, अब हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की। इनके स्ट्रक्चर अगर देखो तो क्या होता है, स्पॉन्जेस के बीच में अगर तुम ऐसे एलएस काटे इसका, तो बीच में एक कैविटी टाइप से दिखती है, कैविटी बोल लो या फिर एक ब्लैंक स्पेस बोल लो, लेकिन ये सीलोम से इसको मत रिलेट करना, सील स्पॉन्जो सील वर्ड यहाँ पे सील यूज किया गया है, सील वर्ड यूज किया गया है स्पेस के लिए, मतलब खाली जगह के लिए, इसको ये मत समझ लेना कि ट्रू सीलोम के बारे में बात कर रहे हैं, ये है। अब सीलोमेट की बात कब होगी, सीलोमेट की बात कब होगी जब लेयर्स डेवलप हो जाएंगे, अभी तो यहाँ पे लेयर्स ही नहीं है, है ना, नहीं है, तो यहाँ पे सीलोम की बात नहीं हो रही है। फिर ये स्पॉन्जोसील, क्योंकि स्पंज के अंदर स्पेस है इसलिए इसको स्पॉन्जोसील बोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैंने क्या बोला कि ये पोर बेयरर्स होते हैं, पोर बेयरर्स मतलब इनके बॉडी पे थ्रू आउट बहुत सारे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया, क्या बोलते हैं ऑस्टिया। इनके थ्रू क्या वाटर अंदर जाता है, और फिर उसके बाद एक सिंगल ओपनिंग होती है टॉप पे जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम का जो साइज होता है ऑस्टिया से बड़ा होता है, और इसके थ्रू जो है वाटर करें फिर वापस से बाहर चली जाती है। इसके अलावा अगर हम इस वॉल की बात करें, तो आपको लेयर दिखाई दे रही होंगी, कौन कौन सी लेयर, एक सबसे लास्ट में जो है आउटर वॉल पे एक पीली लेयर दिख रही होगी आपको, ये आपकी पीली लेयर हो गई। उसके बाद ये आपको
लेयर दिख रही होगी ये वाली जो लाइट येलो कलर से है, इसमें छोटे छोटे कई सारे डॉट्स बने हैं जो कि दिखाते हैं कि इसमें कोई सेल है। तो अभी हम देखेंगे कौन से सेल है। तो उसके बाद एक इनर लेयर है, एक तो ये लेयर होती है कोइनोसाइट की बनी हुई। अब इसको अगर हम जूम करें, समझ रहे हो ना, जूम करना, जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये आउटर लेयर जो होती है बनी होती है पिनेकोसाइट्स की, इन सेल्स को बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। अब ये पिनेकोसाइट जो होते हैं स्पॉन्जेस की आउटर कवरिंग बनाते हैं, प्लस ये फैगोसाइट करने में, फूड पार्टिकल को फैगोसाइट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया। अब ऐसे भी कई सारे पिनेकोसाइट्स मिलके आउटर लेयरिंग बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। जो आउटर लेयर बिल्कुल है उसको हम बोल देंगे पिनेकोडर्म। समझ में आया। पिनेकोसाइट से मिलके क्या बने होते हैं, पिनेकोडर्म बने होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो साइट आता है वो है पोरोसाइट। नाम में है पोरोसाइट, पोरो मतलब पोर क्रिएट करने वाला सेल, साइट मीन्स क्या होता है सेल, तो पोर क्रिएट करने वाला सेल। अब पोर क्रिएट करने वाला सेल क्या बनाता है बच्चों, तो ये बनाता है ऑस्टियम। एक होगा तो ऑस्टियम, बहुत सारे हैं तो ऑस्टियम, तो पोरोसाइट बनाता है ऑस्टियम। ठीक। इसके बाद होते हैं अमीबॉइड सेल्स। ठीक। अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं ये बीच की लेयर होती है, इन्हें बीच की लेयर होती है, इनके बीच में ये ब्लैंक स्पेस होता है जो कि मीजोडर्म तो नहीं कह सकते पर मीजोडर्म जैसा ही कुछ होता है। तो इस लेयर में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के अमीबॉइड अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे ये स्क्लेरोसाइट, ये भी एक टाइप ऑफ अमीबोसाइट सेल है जिसका काम क्या होता है, ये स्पाइक्यूल बनाता है सिलिका के बने हुए, नाम में आ रहा है स्क्लेरो, स्क्लेरो मतलब सिलिका, सिलिका के बने हुए जो है स्पाइक्यूल बनाता है। ये स्पाइक्यूल क्या, पिनेकोडर्म में बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती हैं, अंदर की तरफ भी प्रोट्रूड होती हैं और स्केलेटन बनाती हैं। ठीक। अमीबोसाइट सेल्स का काम क्या होता है, जब फैगोसाइट ये कर लेता है, पिनेकोसाइट क्या कर लेता है, फैगोसाइट कर लेता है, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनसे डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और अलग अलग सेल्स में डिलीवर करते हैं। ठीक। डाइजेशन का काम जो होता है कोइनोसाइट्स में होता है। इसके अलावा यहाँ पे फूड पार्टिकल, जो भी वाटर करंट आएगा, वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल भी आते हैं, एक वाटर करंट के साथ ऑक्सीजन भी आता है, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी इनमें डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है वाटर से। इसके अलावा अगर ये बोला जाए कि ये फूड पार्टिकल को भी फिल्टर करते हैं, तो फूड पार्टिकल फिल्टर होकर इन कोइनोसाइट्स में आती है। इन कोइनोसाइट्स में कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, प्लस लाइसोसोम्स होते हैं। जैसे ही फैगोसाइट होकर फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल आता है, उसके बाद फूड वैक्यूल क्या करता है, जाके लाइसोसोम में मर्ज हो जाता है। लाइसोसोम में मर्ज जब हो जाता है तो लाइसोसोम के पास में डाइजेस्टिव एंजाइम, वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये एरिया जो होता है जिनमें अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, मैंने बोला कि ये मीजोडर्म जैसा होता है बट मीजोडर्म नहीं होता, इनको हम बोलते हैं मीजोहिल। क्या बोलते हैं, मीजोहिल। तो ये मीजोहिल होता है, ये जो जितना पोर्शन आपको लाइट कलर से दिख रहा है ना, लाइट पिंक कलर से, वो सारे क्या हो गए, ये सारे मीजोहिल हो गए, इन्हीं में अमीबोसाइट सेल्स होते हैं। अमीबोसाइट सेल्स ही जो होते हैं एक दूसरे में कई तरह के फॉर्म्स बनाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, इनसाइट बनाते हैं, स्क्लेरोसाइट बनाते हैं, तो ये सारी चीजें इससे डराइव होती है, अमीबोसाइट सेल से डराइव होती है। अब ये ऊसाइट भी यही बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, मीजोहिल में बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन्हीं मीजोहिल्स में होता है, आगे चल के उसको देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया कितने तरह के सेल्स होते हैं, पिनेकोसाइट, ऊसाइट, पोरोसाइट, अमीबोसाइट, स्क्लेरोसाइट और कोइनोसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है पोरिफेरा का वो है कोइनोसाइट सेल्स, अभी हम आगे देखेंगे। ये नाम आपको याद कर लेने हैं, कोइनोसाइट, पिनेकोसाइट, स्क्लेरोसाइट या पाइक्यूल्स। तो ये सारी चीज आपको बस ये याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो फाइलम्स है उन फाइलम्स में जो स्पेशल उनके मॉडल ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में कोई एक पर्टिकुलर सेल का नाम दे देते हैं, पूछते हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपको चार पांच फाइलम दे देंगे। लाइक आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लेम सेल, एक फ्लेम सेल होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, चार पांच ऑप्शन दे देंगे। वैसे ही यहाँ पे पूछा जाता है कि कोइनोसाइट सेल्स किनमें पाए जाते हैं, मान लो आपको स्पॉन्जेस दे देगा ऑप्शन में, निडेरियम दे देगा, एनिलिडा देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, मतलब चार ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशलिटी कोइनोफ्लैगेलेट वाली, कोइनोसाइट वाली जो है वो पोरिफेरा में पाई जाती है। अब देखो मैंने क्या बोला था, स्पाइक्यूल्स एक बार, अभी सारे सेल्स जो है एक एक करके देख लेंगे हम। तो हम बोल रहे थे कि पिनेकोसाइट्स होती हैं, पिनेकोसाइट्स बाहर की लेयर बनाती हैं,
कई सारे पिनाकोसाइट मिलके आउटर जो लेयर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म। अब हम बात कर रहे थे स्क्लेरोसाइट की, तो स्क्लेरोसाइट इनको देता है सपोर्टिंग स्केल्टन, सिलिकॉन की बनी हुई सपोर्टिंग स्केल्टन देता है, और इसके अलावा ये स्पाइक्यूल्स बनाता है, ये स्पाइक्यूल्स बनाता है, स्पाइक्यूल्स थ्रू आउट उसके बॉडी वॉल में, जहां भी ये आपको स्पाइक्यूल्स दिख रहा है, ये स्पाइक्यूल्स का नेट बना होता है जिसके जो कि क्या स्केल्टन की तरह काम करता है, ये स्पाइक्यूल्स बाहर भी निकले रहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। तो मेन चीजें क्या है, एक पोइनोसाइट है, एक पिनाकोसाइट जो आउटर डर्म बना रहा है, पोइनोसाइट जो इनर लेयर बनती है पोइनोसाइट से, आउटर लेयर जो बनती है वो पिनाकोसाइट से बनती है। पोरोसाइट क्या बनाते हैं, पोरोसाइट ऑस्टियम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑस्टियम्स बनाते हैं। अमीबोसाइट क्या करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर का काम होता है इसका एक सेल से दूसरी सेल तक, क्यों, क्योंकि ये अमीबोसाइट इस मीजोविल में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए। इसके अलावा ऊसाइट वो एग्स बनाने के लिए। ठीक, अब पोइनोसाइट से मैंने बोला इनर लेयर बन रही है, तो इनर लेयर बन रही है तो इनर लेयर का नाम हम रख देते हैं पोइनोडर्म, क्या रख देंगे, पोइनोडर्म। तो पोइनोसाइट से जो बना है इनर लेयर उसका नाम हो गया पोइनोडर्म, जो पिनाकोसाइट से आउटर लेयर बना है उसका नाम हो गया पिनाकोडर्म। ठीक, और अमीबोसाइट जिस अब इन दोनों लेयर के बीच में, इनर लेयर आउटर लेयर, ठीक, बीच में जो लेयर पाई जा रही है वो क्या है, मिडिल लेयर मीजोविल। तो मिडिल लेयर क्या है इसकी, मीजोविल। अभी इसको देखिए, ये मत बोल देना कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, नहीं है, यहाँ पे अभी लेयरिंग नहीं स्टार्ट हुई है, ये जस्ट एक तरह से कोइनोसाइट की लेयर है, एक्टो एंडोडर्म वाला केस नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो इनर लेयर कोइनोसाइट की कोइनोडर्म बनती है, आउटर लेयर पिनाकोसाइट की पिनाकोडर्म बनती है। स्क्लेरोसाइट जो होते हैं, स्क्लेरोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सिलिकॉन की बनी हुई स्केल्टन को प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं स्केल्टन से स्पाइक्यूल्स बनते हैं, ये स्पाइक्यूल्स थ्रू आउट जो बॉडी वॉल है स्पॉन्ज का उसमें फैले होते हैं। कैसे फैले होते हैं, इस तरह से फैले होते हैं, क्रिस क्रॉस करके पूरी बॉडी में पहले होते हैं। उसके अलावा बॉडी के आउटर पे भी ये स्पाइक्यूल्स होते हैं, और इनका काम होता है क्या, प्रे कैप्चरिंग का। समझ में आ गया, इतना सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि ये पिनाकोसाइट्स आपस में अटैच्ड हैं, एक लेयर बना रहे हैं। ठीक, ये कोइनोसाइट जो है आपस में अटैच्ड हैं, एक लेयर बना रहे हैं, आउटर लेयर इनर लेयर। तो इनको ज्वाइन करने के लिए कुछ एडहेसिव चाहिए होगा, तो यहाँ पे कोलाजन्स प्रेजेंट होते हैं, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इन्हीं मॉलिकुलर एडहेसन सिस्टम्स की वजह से ये सेल सेल सिग्नलिंग यहाँ पे होती है। ये चीज समझ में आ गई, दो ये जो दो पिनाकोसाइट जो है या दो कोइनोसाइट जो की एक जो लेयर बना रहे हैं, इनर लेयर आउटर लेयर या जो भी बना रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए वहां मॉलिकुलर एडहेसिव चाहिए होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन और कोलाजन के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं और सेल को स्टिक करके रखते हैं। बराबर समझ में आ गई बात। अब ये है कि ये जो पोइनोसाइट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है वाटर करंट को डायरेक्शन देना। ठीक, कहीं से भी किसी भी ऑस्टियम से ये अगर वाटर करंट आ रहा है तो ये वाटर करंट को डायरेक्शन देते हैं अंदर की तरफ जाने के लिए। फिर अगर वाटर करंट, वाटर की क्वांटिटी स्पॉन्जोसील में बढ़ गई है, उनकी कैविटी में बढ़ गई है, तो उसको बाहर का रास्ता भी ये कोइनोफ्लैगेलेट भी दिखाते हैं। ऑस्टियम से ऑस्कुलम तक का रास्ता कौन दिखाता है, ये कोइनोफ्लैगेलेट दिखाते हैं, और ये अपना फूड और ऑक्सीजन दोनों किसके थ्रू लेते हैं, वाटर के थ्रू लेते हैं। वाटर में ट्रैप होके कोई भी छोटा छोटा अगर प्रोटोजोआ आ गया, लाइक कोई पैरामीशिया आ गया या फिर कोई भी अमीबा आ गया कुछ भी, तो वो इनका प्रे बन जाएगा, इनका खाना बन जाएगा, किसके थ्रू, पोइनोसाइट के थ्रू। समझ में आया। चलो
अब हमने देख लिया कि कोइनो साइड का ये काम होता है कि उसको खाना देना है ढूंढ के टैक्स करके, प्लस दूसरा क्या है कि उनको जो भी वॉटर करंट है उनका डायरेक्शन देना। तो ये वॉटर करंट को डायरेक्शन देते कैसे हैं? ये कोइनो साइड सेल है आपकी, ये कोइनो साइड सेल है आपकी, ये पूरी कोइनो साइड सेल है, ठीक। अब ये कोइनो साइड सेल से एक प्लेजिला निकली होती है, यही प्लेजिला मूवमेंट देके इधर उधर आजू बाजू मूवमेंट देके क्या करती है, पानी को धक्का देती है कि पानी आओ आओ और पानी जाओ जाओ, दोनों काम यही करती है, पहले बुलाती है फिर भगाती है। समझ आया? तो ये फूड पार्टिकल्स हैं, डाइजेशन का समझो तो क्या, ये पिंक वाले जो दिख रहे हैं ये आपके फूड पार्टिकल हैं। अभी क्या होगा, इसने इनको फेगोसाइट किया फूड पार्टिकल को, उसके बाद ये फूड पार्टिकल किसने ले लिया, फूड वैक्यूल्स ने ले लिया, फूड वैक्यूल्स ने पार्टिकल को रिसीव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, अब हम सब जानते हैं कि लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, एंजाइम का भंडार होता है, स्टोरेज होती है एंजाइम की बहुत सारी, तो लाइसोसोम्स में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब एंजाइम प्रेजेंट है तो काम तो करेंगे, उन्हें क्या करना होता है, ये वैक्यूल्स जाते हैं और इन लाइसोसोम्स से मर्ज हो जाते हैं। दरार आ रही है यार। तो जैसे ही ये फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव लाइसोसोम से मर्ज हो जाते हैं तो बुलाती है, मगर जाने का नहीं, हाँ नहीं तो फैगोसाइट हो जाओगे। तो लाइसोसोम से मर्ज हो जाती है, फिर ये डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन के बाद यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक अमीबोसाइट चिपका हुआ है, ये अमीबोसाइट चिपका हुआ है, ये अमीबोसाइट क्या करता है, डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट है उसको भी रिसीव करेगा और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनको भी रिसीव करेगा, दोनों को रिसीव करेगा, न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट पॉन्स की बॉडी में हर सेल में पिला देगा और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे उनको बाहर कर देगा। समझ आया? कोइनो प्लैगलेट का डाइजेशन कराते कराते अपना कर लिया है ना, डकार आने लग गए। तो ये चीज समझ में आ गई, अब स्पॉन्जेस में भी ना जो इनकी बॉडी होती है जिसमें ऑस्कियम और ये ऑस्किया का जो नेटवर्क होता है वो दो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, और जो सिंपलेस्ट है वो है एस्कॉन, और एस्कॉन जनरली ऐसे एस्कॉन वाले स्ट्रक्चर जनरली ऐसे जगह होते हैं जो जहां वाटर करंट स्लो होता है या फिर स्टिल वाटर होता है। समझ आया? स्लो वाटर करंट मतलब कि अगर पानी बहुत धीमे धीमे बह रहा है, वाटर करंट का फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पाए जाने वाले जितने स्पॉन्जेस होते हैं उनमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म पाया जाता है जो कि है एस्कॉन। एस्कॉन क्या होता है, इसमें सिंपली इनका जो आउटर बॉडी वॉल है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड नहीं होता है और सिंपली जो वाटर आता है ऐसे एग्जिट कर जाता है। समझ आया? तो ये बॉडी स्ट्रक्चर वहां पाया जाता है जहां स्टिल वाटर होता है, स्लो वाटर करंट पाया जाता है, जबकि जहां अगर बहुत तेज धार होगी तो क्या होगा, वहां पोरीफेरा या स्पॉन्ज जो भी है उसको स्ट्रांग बनने की जरूरत होगी ना, कि स्ट्रांग बन के वहां पे डटा रहे। तो स्ट्रांग बनने के लिए क्या होता है, थोड़ा रफ बनना पड़ता है, रफ बनने के लिए क्या बनना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनना पड़ता है। तो ये क्या करता है, वहां उस तेज वाटर करंट में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर एडाप्टेशन लाता है। कैसे एडाप्टेशन लाता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अपने बॉडी वॉल को इमेजिनेट करके, फोल्ड करके। समझ आया? तो ये अपने बॉडी वॉल को जहां भी वाटर करंट बहुत तेज होगा, वाटर करंट हाई होगा, ठीक, तो वहां ऐसी ये साइकोन और ल्यूकोन टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। साइकोन में क्या होता है, इमेजिनेशन काफी सिंपल होते हैं, आउटर बॉडी वॉल जो इमेजिनेट होता है वो सिंपली इस तरह से इमेजिनेट हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, यहाँ बीच बीच में ऑस्कियम पाए जाते हैं, ऑस्कियम के थ्रू जो है वाटर अंदर आता है, फिर उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ये जो फोल्ड आया है ना ऑस्कियम, हर ऑस्कियम के बाद ये फोल्ड जो है वो रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो ये ऑस्कियम रेडियल कैनाल में वाटर को ले आती है, फिर ये ऑस्कुलम की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक। तीसरा आता है ल्यूकॉन, ल्यूकॉन स्ट्रक्चर, ल्यूकॉन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब ये जो आउटर बॉडी वॉल हो जाते हैं, आउटर बॉडी वॉल होती है वो और ज्यादा इनवेजिनेट हो जाती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उनकी इनफोल्डिंग और बढ़ जाती है। जो बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग बढ़ जाएगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जो कि ल्यूकॉन में है। तो ल्यूकॉन में कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्पॉन्ज का, और इसमें भी फिर क्या ऐसे घूमते घूमते बहुत सारा ट्रेवल करके फिर वॉटर बाहर जा पाता है। समझ आया?
वॉटर कैनाल सिस्टम जो है वो वहां होता है इकाइनोडर्मेटा में, वो प्रॉपर वॉटर कैनाल होता है। यहाँ वॉटर कैनाल नहीं है, यहाँ सिंपली क्या है, वॉटर करंट एंटर हो रही है ऑस्टिया के थ्रू और ऑस्टुलम के थ्रू बाहर निकल जा रही है। इकाइनोडर्मेट्स में प्रॉपर वॉटर कैनाल पाए जाते हैं। ठीक, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या पाया जाता है क्या क्या नहीं पाया जाता है। अब देखो मैं स्लाइड पे वापस नहीं जाऊंगी, जो चीजें हैं रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और इसी को रिकॉल बोलते हैं कि खड़े हैं और कुछ भी सोच रहे हैं और बता रहे हैं। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब पोर बियरर्स, जिनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स हैं, पोर बियरर्स। अब उनकी बॉडी वॉल बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोफिल बोलते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर घुसती है। एक माउथ ऊपर की तरह ओपन होता है जो कि ब्रॉड होता है ऑस्टिया के कंपैरिजन में। ऑस्टिया से पानी अंदर घुसता है, स्पॉन्जोफिल में रुकता है और फिर कहां पहुंच जाता है, ऑस्टुलम में बाहर की तरफ। अब इनके पास जो बॉडी की लेयर होती है, तीन लेयर होती है, पर टू लेयर्स नहीं होती है, लाइक डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट तीन लेयर होती है। इनर लेयर जो बना होता है कोइनोसाइट सेल से बना होता है, और इसीलिए हम इनर लेयर को कोइनोडर्म बोलते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो पिनोसाइट से बना होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं इनको पिनाकोडर्म। ठीक, अब बीच में होती है मीजोहिल की लेयर। इन्हीं मीजोहिल की लेयर में स्क्लेरोसाइट्स होते हैं। इन स्क्लेरोसाइट्स का काम होता है सिलिका के बने हुए स्केल्टन को सिक्रीट करना। तो ये स्क्लेरोसाइट सिलिका के बने स्केल्टन को सिक्रीट करते हैं, और वो स्केल्टन उनके थ्रू आउट बॉडी क्रिस क्रॉस नेटवर्क में फैली होती है। प्लस ये स्क्लेरोसाइट में एक स्पाइक्यूल भी बनाते हैं जो कि पिनाकोसाइट के बाहर भी जाता है। तो ये काम करता है प्रे को किल करने का, ट्रैप करने का कई बार। अब इनर की बात करें तो कोइनोसाइट है, कोइनोसाइट के पास फ्लैगुला है। फ्लैगुला क्या काम करते हैं, वाटर करंट को पुश पुल ऊपर मारना, नीचे भगाना, मतलब अंदर आओ बाहर जाओ ऐसा कुछ करते हैं। ठीक, तो ये काम हो गया फ्लैगुला का, ये वाटर करंट कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो कोइनोसाइट्स होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं। वाटर करंट के साथ जो भी फ्लूड आता है, लाइक पैरामीशिया हो गया या कोई छोटे जुआ हो गया, तो उनको ये क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फिर उनमें जो कोइनोसाइट्स हैं उनमें होता है फूड वैक्यूल उनको ट्रैप करता है। उसके बाद वो ले जाता है लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम में मर्ज हो जाता है। मर्ज हो गए अब तो मर्ज होकर डाइजेशन हो जाता है, उससे जुड़ा होता है अमीबोसाइट। अमीबोसाइट उस न्यूट्रिशन को लेता है और थ्रू आउट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ आ गया इतना। ल्यूकॉन में भी वाटर करंट आई है, हाँ साइकॉन यूकॉन दोनों में भी हाई है, और एसकॉन सिंपलेस है, यहाँ ये स्टिल वाटर में पाया जाता है। बराबर, अब हम बात कर लेते हैं स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, पहला तो कि वो अपना फ्रेगमेंट निकालने, बडिंग निकालने, बडिंग करके कर ले, वो हो जाता है इनका ए सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड की बात करें तो क्या होता है, सेक्सुअल मोड में जनरली ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एग सेल भी बनाते हैं और स्पर्म सेल भी बनाते हैं। लेकिन एग सेल और स्पर्म सेल दोनों एक टाइम पे नहीं बनते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, एक ही स्पॉन्ज के अंदर एग और स्पर्म एक टाइम पे फ्यूज नहीं हो सकते, उनको दूसरे का स्पर्म या दूसरे की एग की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक स्पॉन्ज में अगर एग बन रहा है तो दूसरे में स्पर्म बन रहा है, दूसरे में एग बनेगा। तो होते तो हर्माफ्रोडाइट है और एक टाइम में एक ही तरह के गैमेट बनते हैं, इसलिए क्या जो मोस्टली फर्टिलाइजेशन होता है दूसरी जगह से एग या स्पर्म आते हैं। समझ आया, स्पर्म जनरली जो है आउटर वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं स्पॉन्जेस के थ्रू। फिर ये स्पर्म जो है मूव करते हैं, मूव करके कोइनोफ्लैगेलेट्स के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं, मीजोहिल में। मीजोहिल में हमारा क्या है, ऊसाइट है, ऊसाइट पहले से प्रेजेंट है मीजोहिल में। वहां ये स्पर्म फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद ये वापस से लार्वा बनाते हैं। ये फोर सेल स्टेज है, ये जो भी इनका एट सेल स्टेज है, उसके बाद ये जो लार्वा बनाते हैं, ये लार्वा फिर क्या करता है, बाहर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। समझ में आया, स्पर्म आर देन डिलीवर टू द एग्स बाय अमीबोसाइट सेल, उसके बाद ये रिलीज कर दिए जाते हैं, ये लार्वा जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगा, मीजोहिल में होगा। नहीं भाई, स्पॉन्जोसिल प्रेजेंट है, ल्यूकॉन में प्रेजेंट रहेगा, हर जगह प्रेजेंट रहेगा, चाहे साइकोन हो, ल्यूकॉन हो, सब जगह। बस बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल की बात कर रही हूँ, वहां फोल्डिंग बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा फोल्डिंग बढ़ जाएगी। समझ में आया,
एक बार फिर से देख लो क्या बोल रहे हैं, ये स्पॉन्जेस जो है वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बर्ड बनेगा, बर्ड से फिर नए स्पॉन्ज जो है वो बन जाएंगे आजू बाजू में। तो बडिंग या फ्रेगमेंटेशन इनका मेन मोड होता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक इंडिविजुअल एग और स्पर्म दोनों बनाता है, मतलब होते क्या है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनमें एग भी बनता हो और स्पर्म भी बनता हो एक ही बॉडी के अंदर। एक ही बॉडी के अंदर जब एग स्पर्म दोनों बनता है तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो यहाँ दोनों बन रहे हैं, मैंने क्या बोला दोनों बन रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल विल यूजुअली ओनली मेक वन टाइप ऑफ गैमेट एट अ टाइम सो दे आर नॉट एबल टू सेल्फ फर्टिलाइज। क्योंकि एक बार में एक स्पॉन्ज के अंदर एक ही तरह का गैमेट बन रहा है इसलिए वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकते, उनको दूसरा स्पॉन्ज चाहिए ही चाहिए। इस स्पॉन्ज ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, ये स्पर्म वाटर के थ्रू। अब ये चीज देखो, बहुत बहुत मोटी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि जितने भी शुरू में एनिमल इवॉल्व हुए ना उन सबको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो ये नोट डाउन कर लो, वाटर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी अगर उनको अपना फर्टिलाइजेशन करना है। अब क्या ये स्पर्म ट्रेवल कर रहे हैं और कहां, वही मीजो हिल में पहुंचेंगे, मीजो हिल में पहुंचेंगे अमीबोसाइट सेल्स के थ्रू, और फिर क्या एग से फ्यूज होकर फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। इनके लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। फिर लार्वा सेटल हो जाता है और बॉटम से अटैच हो जाता है, किसी भी सरफेस से अटैच हो जाता है सेटल डाउन होके, और उसके बाद वो फिर न्यू स्पॉन्ज को जनरेट करता है। बराबर समझ आ गई,